लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नर्क इंपाला, देखना उसमें बहुत खतरनाक और इंपॉर्टेंट मुजरिम जा रहे हैं। यस इंपाला ब्लू टू टोन। यस घंटी बजा रहा है। इतनी रात में कौन आ सकता है? चलो देखते हैं माँ। चलो बेटी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कुछ बदमाश भाग कर इधर आए हैं। जी हाँ, खतरनाक किस्म के हैं। शायद आप ही के मगले में छुप गए हैं। हम दोनों तो सो रहे थे, हमें कुछ मालूम नहीं है। आप अंदर आ सकते हैं। तुम रुको। बरस से ये लोग शहर में वारदातें कर रहे हैं। बड़े ही चालाक हैं। आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। यहां तो कोई नहीं, शायद जंगली में कहीं छुप गए होंगे। माफ कीजिएगा, इतनी रात को आप लोगों को तकलीफ की। कोई बात नहीं, मैं तो कह रही थी इंस्पेक्टर साहब, हमारे बंगले में कौन आ सकता है। आपने खामखा ही तकलीफ की।
जरा होशियारी से रहिएगा। आओ। बेटी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। ओ माँ, पुलिस तो हर शक पे तलाशी लेती है, इसमें घबराने की क्या बात है? और हमारे बंगले में कौन आ सकता है? चलो माँ, आज मुझे बहुत जोर की नींद आ रही। अब तो नहीं घबरा रही हैं? नहीं। आए माँ, बहुत जोर की नींद आई है, ऐसे वक्त में आकर जगा देते हैं। मेरी बच्ची, लड़की जिंदा है। लानत है हम सब पर, दो साल से शहर में हंगामे हो रहे हैं, कहीं डकैती, कहीं खून, कहीं कत्ल, और आज तक एक मुजरिम को नहीं पकड़ सके। सर, मुश्किल ये है कि मुजरिम किसी किस्म का कोई सबूत नहीं छोड़ता। मुजरिम कभी अपनी तरफ से कोई सबूत छोड़ता है? सबूत तलाश करना पुलिस का काम है। दो बरस में आप चार आदमी गिरफ्तार नहीं कर सके, बड़े शर्म की बात। यस सर, यस सर, यस सर, मैंने सर। सर, चीफ ऑफ सीबीआई जोनल लाइन। ओ, स्पीकिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आई एम सॉरी सर, बट सर, ओके, वही हुआ जिसका डर था। आप लोगों की कारगुजारी को देखते हुए सेंटर ने एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर को रवाना कर दिया और वो आज के प्लेन से पहुंच गए। इसलिए आपको एक ऐसे मुजरिम की जरूरत है जो दिल्ली से आए हुए आपके एक ऑफिसर की मदद कर सके। आप बिल्कुल ठीक समझे। आपके यहाँ बिरजू नाम का कैदी है जो 10 साल की सजा काट रहा है। ओ, आई सी। लेकिन आईजी साहब, एक बात समझ में नहीं आती कि बिरजू ने उस आदमी का खून कैसे किया होगा, क्योंकि जिस शराफत से उसने 5 साल यहाँ गुजारे हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। आप बिरजू के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। वो मेरे एक अजीज दोस्त का होनहार बेटा था, जर्मनी से इंजीनियरिंग की तालीम पाकर आया।
اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا اور اس کے ہاتھ سے خون ہو گیا دیٹس وائی خاندانی شرافت انسان کا دامن کبھی نہیں چھوڑتی اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ پولیس کے لیے اس کی مدد حاصل کروں آپ ذرا اسے یہاں بلوائیے اوکے سر حوالدار یس سر بیجو کو بلا کر لا اوکے سر لیکن تم نے ایک آدمی کا خون کیا ہے ایسے خون میں 100 بار کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ میری جگہ ہوتے تو یہی کرتے بھیجو میں سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بہن کی عزت کوئی بدماش لوٹ لیتا اور وہ معصوم بہن شرم کے مارے آتما ہتیا کر لیتی تو کیا آپ اس کتے کی جان نہیں لے لیتے مجھے تم سے ہمدردی ہے لیکن قانون جرم کی سزا دینے کے لیے مجبور ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا آئی جی صاحب بلکہ آپ کے اندھے قانون کی آنکھوں میں روشنی ڈالی ہے میں اسی جذبے کی قدر کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں میں پولیس کے لیے تمہاری مدد چاہتا ہوں جس کے سلے میں تمہاری باقی سزا معاف کر دی جائے گی اور جو بھگت چکا ہوں اس کا حساب کون کرے گا آپ کا یہ قانون بھی بہت خوب ہے جی صاحب جب میری ضرورت نہیں تھی تو مجھ بے گناہ کو جیل کی اندھیری کوٹھری میں ڈال رکھا تھا اور اب خیر چھوڑیے بتائیے کیا مدد کروں آپ کی دلی سے سی بی آئی کے ایک بہت بڑے آفیسر آئے ہوئے ہیں جو یہاں کے حالات سے ناواقف ہیں اور تم شہر کے ہر بدماش کو جانتے ہو نہیں ہے جی صاحب نہیں برجو شہر کے ہر بدماش کو نہیں جانتا ہے ہاں شہر کا ہر بدماش برجو کو جانتا ہے کیونکہ شہر کے سب سے بڑے بدماش کا خون میرے ہاتھوں ہوا تھا ٹھیک ہے میں اس افسر کی پوری جاگیر لٹا رہے ہو خریدو گے بیچ کیوں رہے ہو
चोरी का माल है, सस्ते में दे दूंगा, देखोगे? दिखाओ। ये देखो। लाखों का हार हजारों में दे दूंगा, क्या ख्याल है? हम लोग साहूकार नहीं, कलाकार। कलाकार मतलब? मतलब चोर है? लुटेरे, डाकू। अच्छा, तो तुम लोग हमने वाला हम पहले यानी मेरे ही जैसे चोर हो? माफ करना भाई, मैं गलत जगह पर आ गया। अब आ गए तो जा कहां रहे हो? यहाँ आया हुआ माल बाहर जाना नहीं चाहिए। कमाल करते हो यार, तुम लोग बड़े घटिया चोर हो, बिना पैसे से माल लेना चाहते हो, कोई वसूल नहीं तुम लोग। राका का एक ही असूल है, हाथ में आया हुआ माल हाथ से जाना नहीं चाहिए। भाई ये खून खराबी की क्या जरूरत है, मैं कहा ना कहता हूँ, ले जाओ। जरा सुनो मेरी बात, बाद में पछताओगे, रख दो। मेरा नाम राका है राजा साहब। जी तुम यहाँ कैसे? सीधा जेल से आ रहा हूं। भागकर? नहीं, चलकर। लेकिन तुम्हें तो 10 साल की सजा हुई थी ना? मेरे जल्दी आने से तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? मेरी दुश्मनी तो तुम लोगों के सरदार मंगलू से थी, और उसे मैंने यहाँ 5 साल पहले कुत्ते की मौत मारा था। सरदार मंगलू और राका में बहुत फर्क है बिरजो। अरे जाजा, तू भी इतना ही कमीना है? एक शरीफ आदमी का माल 10 आदमी मिलकर लूट लें, तू इसे बहादुरी कहता है? हटा दे ये माल। राका के हाथ में आया हुआ माल राका कभी वापस नहीं करता। क्यों डरते हो यार, क्या फायदा लड़के हैं? याद रखो यार, कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है राका। ये लीजिए, माफी मांगे से। अरे भाई नहीं नहीं, माफी तो मुझे इससे मांगना चाहिए। सुनो भाई, ये जेवर सारे 80 रुपए के हैं, नकली हैं। नकली? असली जेवर तो मेरे खीसे में रखे बड़ी हिफाजत से। तुमने पूछा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, कौन सुनने वाले थे तुम? अरे लो गया। भाई तुमसे माफी मांगता हूँ, इन नकली जेवर के लिए तुम्हें बड़ी लड़ाई करनी पड़ी, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जेवर तो नकली थे, मगर आप जैसे असली शरीफ आदमी ऐसी गंदी जगह कैसे? असली कैसा भाई, मैं भी इन्हीं के जैसा चोर हूँ। तो क्यों हंस क्यों रहे हो? झूठ। झूठ? आप कुछ भी हो सकते हैं, मगर चोर नहीं। ये तुमने कैसे कहा? अरे मिस्टर, 5 साल जेल में रहकर चोरों को तो मैं उनकी उंगलियों से पहचान लेता हूँ। वंडरफुल, आदमी काम के मालूम होते हो, तन्हाई में मिल सकते हो। आइए आइए मेरे साथ। हे भगवान, मेरी किट्टी अभी तक नहीं आई,
हे प्रभु, जल्दी भेजो उसे, कहीं उसका इंतजार करते करते मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑल्सो कमिंग। सुनिए, ओपन। नाइस वेदर। हम भी तो पड़े हैं राहों में डैडी। अबे और डैडी के बच्चे, अगर किट्टी को मालूम हो गया कि तू मेरी औलाद है तो चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। जाल में फंस गए क्या? तो निकालो एक दस का पत्ता। किस खुशी में? आज ताजी ताजी राम और शाम लगी है। तो मैं क्या करूं? लो, आपने तो कहा था विचार रखना तो धार्मिक, और डैडी एक टिकट में दो दो भगवान, एक राम और दूसरे मुरली वाले श्याम। राधा, उसका टिकट तो टूरिंग टॉकीज में आठ आने के अंदर मिलता है। डैडी आप बाप हो या सूदखोर पहलवान, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं होने वाली मम्मी से मांगता हूँ, मान ले। मेरे बेटे, आराम से आराम से। ये ले पत्ता, जाके सिनेमा में खेलना। डैडी ये तो क्लब में चलने वाला है, थिएटर में नहीं। चलता है तो चला, नहीं तो चलता है फिरता नजरा। जाओ मैम। बेटे क्यों अपने बाप के कुंडा कर रहा है? मरता क्या ना करता डैडी, कान खोल के सुन लो। अगर आपने मुझे 10 रुपए नहीं दिए तो मैं किट्टी मेम साहब से कह दूंगा कि आप कोई खानदानी कुंवारे नहीं बल्कि विधवा हो। विधवा? अबे ओ, मैं तो रंडवा हूँ, रंडवा। एक ही बात है। क्यों अपने छोटे बाप को ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल? तेरी फ्रंटियर मेल, पंजाब मेल, कलकत्ता मेल, ये सब मेले सुनी थी, ये किस गाड़ी का नाम है? ये उल्लू के पट्टे का नाम है जिसने ऐसी औलाद पैदा की है। ये ले 10 रुपए का नोट और यहाँ से चलता फिरता नजर आ। जा बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब जा लोकल ट्रेन से कल्याण, जा जा। आई एम सॉरी मिस किटी, मे आई कम इन? देखते भी नहीं, जरा देख के तो चलिए। थे शायद मेरी गलती थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, माताओं और पिताओं, भाइयों और बहनों, अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो, लेकिन मजबूरी है कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन यानी दारूबंदी लगा रखी। आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मैं आज आप सब लोगों को पिलाऊंगा और खूब पिलाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को ऐसी शराब पिलाऊंगा जिसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरेगा। शराब का नाम है शबाब और बोतल का नाम है मिस किटी। ओ, आई एम सॉरी। असली नशा है कोई तो वो है शबाब का, बदनाम हुआ नाम बेचारी शराब का। ये है उसमें भी है एक मैं खाना, ये है उसमें भी है एक मैं खाना, ये है उसमें भी है एक मैं खाना, ये
Just a moment, Mr. Mr. Ramchandra Gonsalves. Ramchandra. People call me Ram. What can I do for you, sir? मैंने आपके मालिक का नाम सुना है, फिलहाल उन्हें कुछ बेचना चाहता हूँ. All right, hello, 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 boss. आपसे कोई मिलने आए हैं और कुछ बेचना चाहते हैं. आपने किससे बात की? ये रहा. Oh, microphone. ये हर जगह फिट है. लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट कबूल होगी. यानी? Please follow me. आई, आई, come this way. आइए अंदर जाइए और महागुरु के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कीजिए. नाम? जगदीश प्रसाद. लोग मुझे जग्गू कहते हैं. पेशा? समझ लीजिए चोरी. लेकिन आप मुझ पाए क्यों बैठे हैं? शर्मा थी क्या? शर्म तुमसे नहीं, पुलिस से जरूर आती. ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं? जिस तरह एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को फौरन पहचान जाता है, इसी तरह एक बदमाश भी दूसरे बदमाश को पहचान लेता है. Am I right? Right. Please sit down. Thank you. तो आप चोर हैं? ये लफ्ज सुनने में कुछ घटिया सा मालूम होता है. आप मुझे अंतरराष्ट्रीय आभूषण चोर कह सकते हैं. ये तो ऐसे लगता है कि जैसे सरकार ने आपको कोई इनाम दिया हो. कि सरकार ने इनाम तो नहीं दिया, लेकिन सरकार इनाम मुझ पर जरूर रख सकती है क्योंकि मैं इंटरनेशनल ज्वेल थीफ हूं. फिर तो आप बहुत कीमती आदमी मालूम होते हैं. जी हाँ, क्योंकि मेरे पास चीजें भी बहुत कीमती हैं. ये देखिए, ये मैं बेरूट से लाया हूं. डायमंड तो अच्छे हैं. और ये देखिए, नगीने भी अच्छे हैं, लेकिन मैं चोरी का माल नहीं खरीदता. हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें यहां छोड़ जाइए, मैं इन्हें बिकवा दूंगा. हम चोरों में ईमान जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता मिस्टर सोहन. ओ, तो आप मेरा नाम भी जानते हैं? शहर का हर बदनाम आदमी आपका नाम जानता है. बाय बाय. रामू, ये जो आदमी बाहर गया है इसका पीछा करो और मालूम करो कि ये क्या चीज है. समझे? ओके बॉस. तुम भी पागल हो. चोर तो खुद चोरी कर सकता है, चोरी का माल क्या खरीदेगा. ये काम तो कोई साहूकार ही कर सकता है. है कोई खरीदार? हाँ है तो, लेकिन यहाँ नहीं. आओ मेरे साथ. Please meet my friends, Mr. Pinto, Mr. Anjit, and Mr. Sultan. मुझे शंकर कहते हैं. मेरा नाम है जगदीश, मुझे आप जग्गू कहिए. Nice meeting you. हीरे बेचेंगे? खरीदेंगे आप? दिखाओ. देखो, हाँ, nice piece. और ये देखो, क्या हुआ? आप लोग चौंक पड़े, ऐसा हार कभी देखा नहीं. नहीं नहीं, लेकिन ये हार तुमने चुराया कहां से? और ये मैंने बेरूट से स्मगल किया था. ये नहीं, ये तुमने कहां से चुराया? ये याद नहीं. क्यों? याद करने की कोशिश करो, कहां से चुराया? तुम लोग तो पुलिस की तरह जिरा कर रहे हो, क्या बात है भाई? नहीं नहीं, दरअसल बात ये है, ha 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 ha.
खैर ये बात छोड़ो, देखने में तो ये हाथ बहुत कीमती मालूम होते, लेकिन असली है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, अगर हम सब का ईमान तो एक ही है, इसे रख लो टेस्ट करवा लेना। जग्गू फरेब और झूठ का धंधा नहीं करता। और फिर मेरा 1 करोड़ का माल भी जहाज से आ रहा है, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन मुझे यहाँ क्या हालात मालूम नहीं, मैं परदेशी हूँ ना। लेकिन भैया हम लोग तो स्वदेशी हैं। सुनो सुनो, अगर तुम हमारे पार्टनर बन जाओ, हम तुम्हारा काम यूं कर सकते हैं। पार्टनर? यस यस। फिर तुम्हारा हमारा ईमान तो एक ही है ना। राइट बॉस, वो आदमी तो बिल्कुल हॉट केक निकला, हाथों हाथ भी किया। बाहर निकलते ही शंकर उसके साथियों ने से गले लगा लिया। मुझे तो कुछ दाल निकाले लगता है, मेरा ख्याल है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इडियट, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा असली मकसद तो माल से है। गेट आउट। हेलो जग्गू। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारा चौथा पार्टनर कहाँ है? वो पिंटो, वो गोदाम में इंतजार कर रहा है तुम्हारे माल पहुंचने का। अरे वाह, क्या तैयारियां हैं, माल मिलने से पहले ही बटवा। मगर हजूर, वो जहाज कहाँ है? जहाज इधर जाए कहीं धुंधला इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करो, ऊपर चले जाओ, शायद वहां से दिख जाए। चलो चलो भाई। हाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। जगो, यहाँ से कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तुम लोग नीचे उतर आओ, मोटर बोट से चलते हैं। आओ चल। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी करते। तुम जरा धीरे उतरना भाई, ना जल पड़ोगे। खबरदार शंकर, तुम्हारे बारे में सब रिपोर्ट मिल चुकी हैं। चुपचाप से पुलिस स्टेशन चलो चलो। शंकर तुम लोग भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। आई एम वेरी सॉरी, आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी नहीं, कोई खास चोट नहीं लगी। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। वैसे तो ठीक हूँ। चलिए ना, बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। तुम फंसा ना दे। देखिए गलती मेरी थी, मगर मेरी रिपोर्ट मत कीजिएगा। रिपोर्ट? जी हाँ, मालूम होता आपने गाड़ी नई नई सीखी है। जी हाँ। फिर आपने आगे पीछे एल क्यों नहीं लगाया? जी वो मैं लगाना भूल गई। आपका नाम? सुमन। उम्र? 18 साल। बाप का नाम? मिस्टर सोहनलाल। मुझे इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन कहते हैं, आप सिर्फ मोहन कह सकते। आप कहाँ जा रही हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? देखिए मेरा इलाज तो घर पे भी हो सकता है। तो फिर ठीक है, घर पे चलिए, मगर प्लीज मेरी रिपोर्ट मत कीजिएगा। अब तो शायद मेरी रिपोर्ट हो जाए। आइए। बहुत ही शानदार है आपका घर, बहुत ही आलिशान। आप यहाँ बैठिए, मैं आपका जख्म ठीक करती हूँ। अब यह जख्म क्या ठीक होगा? क्यों नहीं होगा, मैं अभी इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। सुनिए, जब ये जख्म ठीक हो जाएगा तो ड्रेसिंग उतारनी पड़ेगी ना? हाँ। ड्रेसिंग उतारनी पड़ेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ। नुकसान की परवाह मत कीजिए, हर नुकसान में कुछ न कुछ फायदा तो हो ही जाता है। आज क्या फायदा हुआ? आपसे मुलाकात हुई, ये क्या कम फायदा है? आप तो यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। लीजिए, ये सब तो ठीक हो गया, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए, दूध की क्या जरूरत है, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ये आप समझते हैं, मुझे तो नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये आप यहाँ आराम।
से बैठिए। आपका हुक्म सर आंखों पे। आपकी तारीफ? ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। मुझे सोहनलाल कहते हैं। ओ, यानी सुमन जी के डैडी। मैं इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन हूं। आप इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन हैं? जी हाँ। कौन से पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं आप? जी जी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में? जी। लेकिन वहां तो इंस्पेक्टर कुलकर्णी थे, उनकी बदली हो गई क्या? जी जी हाँ। ऑफिसर अच्छा था जी। खैर ये बताइए कि आप अपना इलाका छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो दिल्ली से बड़ा सीबीआई का अफसर आया है, उन्हीं के साथ ड्यूटी कर रहा था। और मेरी गाड़ी से टकराने की वजह से इनकी ड्यूटी अधूरी रह गई। जी। डैडी वो मेरी गलती थी। जी। ये लीजिए। जी। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? सीबीआई का ऑफिसर आपके साथ था? जी हाँ, वो मुझे ढूंढ ही रहे होंगे। लेकिन आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप भी पुलिस से कुछ ताल्लुक रखते हैं। ताल्लुक तो नहीं, लेकिन वास्ता तो पड़ता ही रहता है। हमारी लाइन ही ऐसी है कि हमें शहर के हर पुलिस वाले और हर बदमाश को जानना जरूरी है। यानी कि मैं होटल का मालिक हूँ, क्लैरा होटल। अरे इंस्पेक्टर तुम यहाँ? अरे वाह, एक्सीडेंट के बाद तुम खासे नजर आते हो, हाथ में दूध का गिलास। जी मैं तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ड्रेसिंग कर दी। मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था। अरे मैं भी तो तुम्हें को ढूंढ रहा था। आप इनसे मिलिए, मिस्टर सोहनलाल, क्लैरा होटल के मालिक। तो आप ही हैं सीबीआई के ऑफिसर? ये आपसे किसने कहा कि मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ? जब मैंने कहा था कि दिल्ली से सीबीआई के बड़े अफसर। अफसोस की बात है, देखो इंस्पेक्टर, कभी किसी से न कहो कि मैं। ओके बस, प्लीज टू मीट यू। सो एम आई। फिर मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। जो दूध खत्म करो, चलो। खत्म कर चुका हूँ सर। बाय बाय। बाय बाय। गुड बाय। आइंदा इनसे कभी न मिलना। मगर क्यों डैडी, वो तो पुलिस वाले हैं। इसीलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। आपकी ये नकली वर्दी ने तो फंसा ही दिया। मुझे भी डर था कहीं तुम फंस न जाओ, लेकिन हुआ क्या? अच्छा हुआ कि मैं गलत घर में पहुंच गया। कहीं असली पुलिस वाले के घर पहुंचता तो सीधा अंदर हो जाता। सर गलत घर तो नहीं, तुम सही घर ही पहुंचे थे। कैसे? याद है मैंने तुमसे कहा था कि उन चार बदमाशों से मैं सोहन के अड्डे पर ही मिला था। मुझे तो शक है कहीं सोहन उनका लीडर ना हो। सकता है, लेकिन इसका पता कैसे लगा सकते हैं? इसकी भी तरकीब मैंने सोच रखी है। क्या तरकीब? पहले तुम ये बताओ कि जिस लड़की से अभी अभी तुम्हारी मुलाकात हुई थी वो तुम्हें पसंद है या नहीं? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है। तुम बताओ तुम्हें पसंद है या नहीं। ठीक है। और ये भी बताओ कि तुमने कभी प्यार व्यार किया या कर रहे हो? कभी सोचा ही नहीं। सोचने की क्या बात है, तुमने हिंदी फिल्म नहीं देखी? देखी है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि तुमने ये तो देखा होगा कि हीरो और हीरोइन किस तरह प्यार करते हैं। हीरोइन भाग रही है, हीरो पीछे पीछे जा रहा है, एक दरख्त के पीछे हीरो ने हीरोइन को पकड़ लिया और दोनों मिलकर गाना गाते हैं, प्यार हो जाता। ये तो सीधा फिल्मी फॉर्मूला लगता है। सीधा फिल्मी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तुम सोहन की लड़की पर लगा दो। यानी कि वो और मैं, उससे क्या होगा कि सोहन कौन है ये पता लग जाएगा। ठीक है? अच्छा। न सुन बुरा, न बोल बुरा, न देख बुरा। क्या आप ऐसे तमाशे देखती रहेंगी तो आदत ही बिगड़ जाएगी। पर आप यहाँ कैसे आ गए? घर पहुँचा तो मालूम हुआ कि आप यहाँ आंखें सेक रही हैं। मैं इस स्विमिंग क्लब की मेंबर हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ इस क्लब का मेंबर बन जाऊँ। क्यों? पहले दिन तमाशा देख के आदत बिगड़ने लगी? मेरी आदत छोड़िए, अपनी सुनाइए। आप जो ये दिलचस्पी ले रही हैं, आपने कभी प्यार किया है? मैं देख रही हूँ, सोचा नहीं। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर? आप हिंदुस्तानी पिक्चरें नहीं देखती? हिंदुस्तानी पिक्चरें? उसमें क्या होता है? बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। सीधा सा? हाँ, लड़की आगे भागती है, लड़का उसके पीछे भागता है, फिर किसी दरख्त के पीछे लड़का लड़की को पकड़ लेता है, फिर दोनों गाना गाते हैं, फिर प्यार हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको किसने बताया? मेरे गुरुजी ने। बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। कौन है वो? दादा मुनि।
उन्होंने प्यार की इतनी तपस्या की है कि वो ऋषि मुनि बन गए। आप उन्हें किसी दिन यहाँ ले आइए, सारी तपस्या भूल जाएंगी। यहाँ ना उनको गाना गाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही भागे दौड़ने की। तो यहाँ पानी में आग लग जाती है। कुछ भी कैसे है पानी में? एक बात कहूँ? कहिए। आप बहुत खूबसूरत। यहाँ पहुंचकर सबका यही हाल होता है। देखिए ना, हर तरफ जन्नत के नजारे हैं। दूसरों की जन्नत को छोड़िए, मेरी जन्नत तो आप ही हैं। आप ज्यादा पास में बताइए, मुंह चल जाएगा। चलने दीजिए। फिर सांस तेज चलने लगेगी। चलने दीजिए। फिर पेशियां दौड़ने लगेंगी। दौड़ने दीजिए। आग लग जाएगी। बुझा लूंगा। कैसे? ऐसे। शहर में पुलिस काफी चौकन्नी नजर आ रही है। मुझे लगता है फिल्म पुलिस के हाथ लग गई। हमें और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। शंकर, तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि 1.5 करोड़ के सोने का क्या किया जाए। मेरी राय है कि हम सारे सोने को आपस में बांट लें और अपना अपना हिस्सा लेकर गैर मुल्कों को चले जाएं। एक्सलेंट, गुड आइडिया। चीयर्स। चीयर्स। हेलो पुलिस, आप सबके बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। ऑफिस में बुलाया है क्यों? ये तो बॉस को ही मालूम होगा, लेकिन है कोई आपके फायदे की बात? इश्यूज नहीं। मिस्टर सोहन, फरमाइए क्या बात है? सोहन, क्या चाहिए तुम्हें? What did you want? 1,50,00,000 के सोने में बराबर का हिस्सा। कौन सा सोना? और वो भी 1,50,00,000 का। दुनिया का कोई भी राज सोहन से छुपा नहीं रह सकता। अब देख लो ना, तुम लोग उधर टेबल पर बातें कर रहे थे और मैंने इधर टेप पर सब रिकॉर्ड कर लिया है। मगर वो सारा माल हम लोगों का है, तुम कौन होते हिस्सा मांगने वाले? तुम सबका बाप। चाहे तुम लोग ये नहीं जानते कि शहर का हर बदमाश लूटे हुए माल में से मुझे हिस्सा देता है। लेकिन हम नहीं देंगे। शंकर, इस खिलौने को अंदर रहने दो। ये ना समझो कि मैं यहाँ अकेला हूं। अरे पागल, आजकल तो शरीफ आदमी भी बॉडीगार्ड रखते हैं। और फिर मैं तो बदमाशों का चीफ मास्टर हूँ। इन पर्दों के पीछे मेरे आदमी खड़े और उनका निशाना कभी नहीं चूकता। चाहो तो घूम कर देख लो। क्यों, यकीन नहीं आता क्या? Get ready, boys. Fire! Come on, get up, boys. Shankar, लाओ ये धमाका मुझे दे दो. Thank you. और अब कानों में उंगलियां डाल लो. क्यों? इसलिए कि इसकी आवाज बहुत होती है. तो क्या आप इसे चलाएंगे? जी नहीं. पहले मैं 5 तक गिनूंगा और फिर एक एक को इसका निशाना बनाऊंगा। 1, 2, 3। नहीं सोना, नहीं।
चार। नो सोन, नो, नो सोन। बस बस सोहन लाल, हमारे दोस्तों को धमकाने की कोशिश मत करो, हाथ ऊपर करो। लेकिन तुम तो सीबीआई के इंस्पेक्टर थे ना? वो मैंने झूठ कहा था। उस वक्त झूठ कहा था या आप झूठ बोल रहे? क्यों बेटे, क्या कर रहे हो? डैडी, ये पुलिस अपने यहाँ क्यों आई है? अरे बेटे, यहाँ पुलिस नहीं आएगी तो क्या साधु लोग आएंगे? ठीक है डैडी, ठीक है, वही अपनी जगह से हिले नहीं। पुलिस, पुलिस! शंकर का था, लौटा देना। सुनिए भाई साहब, आखिर आप चीज क्या हैं? जो तुम समझते हो मैं नहीं हूं। गाड़ी रोको, जल्दी हटो, पीछे हटो, मुझे आने दो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, पीछे वहां बैठो। यानी हमारी सारी भाग दौड़ बेकार गई। बेकार नहीं दादी, अभी तो इनको हम धोखा देंगे। मम्मी, आपके इस बैग में कुछ छुप रहे हैं? यस, और मेकअप का सामान भी है। फिर तो काम बन गया। दादी, तुम पीछे आ जाओ, अपन कपड़े बदल लेंगे। मम्मी पीछे नहीं देखना। अबे ओ, कटारा हटारा हंसते थे, जाने दे हमें। अंधे हो क्या, देखते नहीं गाड़ी खराब हो गई है? अरे क्या देख रहा हूँ, बड़ी है, अप्सरा है, पटाखा है, पटाखा है। अरे ऐसे गोल्डन चांस बाय चांस आते हैं, उठा ले चलो इसको। कैसे उठा ले चले, देखता नहीं बीच में गाड़ी अटकी है। अरे बुद्धू, गाड़ी तो उसकी अटकी है, अपना तो दिल अटक गया, चलो पटा ले चलो। कहाँ जाना है आपको? जाना तो कहीं नहीं, घूमने निकले थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया। देखिए, आप जहाँ कहेंगे हम आपको छोड़ आएंगे, अगर आप पहले चलकर उस बंगले पर थोड़ी देर आराम कर लें। अगर आपने भी धोखा दे दिया तो? नहीं, हम धोखेबाजों को धोखा देते हैं, आप जैसी हसीना तो नहीं, आपको तो हम अपने दिल में बिठाएंगे। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। व्हाट, कौन आपके साथ? मेरे साथ और भी दो बहन। बेबी, कम यस दीदी, एक दो तीन, आपकी किस्मत खुल गया। तेरी नहीं, देखता नहीं है, एक कम
तो क्या हुआ? आए, आए, आए। अरे तू कहाँ घुस रहा है? पहले गाड़ी को धक्का मारकर पीछे कर रहा है। ये आंखों में कौन है? मेरा तो जी घबराता है। There you are, my dear. आप तो हमें जन्नत में ले आए। Hello, baby. Oh, I'm sorry. जन्नत तो अभी हम तुम्हें दिखाएगा। लेकिन हमें जल्दी छोड़ दीजिएगा। क्यों? जाने मन गुलबदन इतनी जल्दी क्या है? मेरी जान अभी तो शाम शुरू हुई है, आओ ना। Come on! साथ हो तो शाम और खूबसूरत हो जाती है। छोड़िए मुझे, मुझे आपकी नीयत खराब मालूम होती है। बात दरअसल ये है, जब अच्छी सूरत सामने हो नीयत खराब हो जाती है। हाथ मत लगाइए, दीदी ने मना किया है। ये बहुत टेंशन है। ये नहीं, यहाँ सब ठीक है, सब ठीक है। आप लोग चार हैं, हम लोग तीन हैं। प्रोग्राम चलेगा नहीं। आप कहें तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेती हूँ। हेलो हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ आपने चार हैं और हम लोग सिर्फ तीन हैं। आप जल्दी आइए, बहुत मजा आएगा। रॉन्ग नंबर प्लीज। नहीं मम्मी, आप समझी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मम्मी मम्मी, यहाँ कोई नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। मैं इसलिए तो आपको फोन कर रही हूँ। यहाँ चार शरीफ आदमी आपका इंतजार कर रहे हैं। चार शरीफ आदमी? मालूम होता है आप लोग किस बदमाश के हाथों फंस गए। हाँ, अब आपके समझ में आया मम्मी। हेलो बहन जी, जरा हम पता पूछ कर बताइए, हम फौरन हाजिर हो जाते। डार्लिंग, मम्मी पता पूछ रही है। 49 बरसोवा रोड। मम्मी ये कह रहे हैं 49 बरसोवा रोड। मम्मी जल्दी आना और देखो साथ में जॉन है कि बोतल भी लाना, ताकि इनकी अच्छी तरह से खातर की जाए। बहन जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँच न जाएं, आप उन चार शरीफ आदमियों को फांस कर रखिएगा। ओके मम्मी, थैंक यू। 49 वर्सोवा रोड। हवालदार, गाड़ी तैयार करो। मम्मी आने को तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए। तुम्हारी मम्मी देखने में कैसी है? बेशरम। की क्या उम्र है? हम सबसे ज्यादा जवान हैं। हम सबसे ज्यादा हसीन हैं। अजी देखोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ठीक है, तो आने दो उनको भी, इससे पहले तुम्हारी खातिर तो की जाए। Hey, hey.
दे जाता हूँ। रंजीत सुल्तान शंकर सोना कहाँ है? कौन सा सोना? बनने की कोशिश मत करो, बताओ सोना कहाँ छुपा रखा है? बोलते क्यों नहीं? तुम लोग दो बरस से जो कुछ कर रहे हो सब पुलिस के रिकॉर्ड में है। ठीक ठीक बता दो सोना कहाँ है? हमें कुछ नहीं मालूम, हम सच कहते हैं साहब, हमें कुछ नहीं पता। सब पता है, सोने के लिए तुम्हारा एक साथी मारा गया, पुलिस को बता दो वरना खूनी तुम तीनों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आई जी साहब, उसे सोना तो क्या मिट्टी भी नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? इसका मतलब यह है कि तुम अपने साथी के कातिल को जानते हो। बोलो क्या नाम है उसका, बताओ। सोहन। सोहन किलेरा होटल का मालिक? जी। ले जाओ इन्हें लाकर बंद कर। हवलदार ले जाओ इन्हें। इंस्पेक्टर सिन्हा। यस सर। जब सोहन इस केस में इन्वॉल्व है तो मामला और भी खतरनाक हो गया। आप सोहन को कत्ल के जुर्म में फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। ओके सर। मिस्टर सोहन, आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? पिंटो के कत्ल के जुर्म में। हवलदार इन्हें हथकड़ी पहना दो। गेट बैक। इंस्पेक्टर सोहन को हथकड़ी पहनाने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, अगर शराफत से ले चलते हो तो चला चलता हूं। कहिए। ठीक है चलिए। सुनो भाई। जी मैम सर। ये ना वो सबको दे देना। हाँ अच्छा जी। साहब ये मैम साहब ने दिया। कौन सी मैम साहब? मालूम है सुमन, क्या बात है? बड़ा मजा आएगा। चलो
इस होटल के कमरे में कैसे बुलाया? दूसरों के तमाशे देखकर तुम्हारी भी आदत बिगड़ गई है क्या? और अब इस तन्हाई में तुम मेरी आदत बिगाड़ना चाहती हो क्या? सुमन, तुम बहुत खूबसूरत हो सुमन। सुमन, आप कौन है? रानी, सिर्फ तुम्हारी। लगता है मैं किसी गलत कमरे में आ गया। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कमरे में आए हैं, बैठिए ना। लेकिन मैं तो किसी और की इंतजार कर रहा था। क्या मैं उससे बुरी हूँ? इतने खूबसूरत मौके को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कमाल है, आप गले क्यों पड़ रही? छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। नहीं। अरे ये क्या, दरवाजा क्यों बंद कर रही है? मुझे जाने दीजिए ना, आप मेरे सामने कपड़े क्यों बदल रही हैं? आप कुछ समझे आप? सब समझ गया। तुमने तो मुझे मदहोश कर दिया है। अच्छा, ये बात है? हाँ, तुमने तो मुझे किसी और दुनिया में पहुंचा दिया है। अब मुझसे ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं होगी। जरा दिल पर काबू रखिए, मैं कहीं भागी नहीं जाती हूँ। मगर वक्त भागा जा रहा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लेकिन आप तो किसी और से प्यार करते हैं। उसकी बात छोड़िए, कहाँ आप और कहाँ वो मोटी भैंस, कहाँ आपकी शराबी आंखें और कहाँ उसकी भैंगी आंखें, कहाँ आपके रस भरे होंठ। ये क्या हो गया है आपको? जो आप चाहती थी, जिसके लिए आपने स्लिप भेजी थी। लेकिन इसमें मैंने क्या गुनाह किया है? आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप गुनाह करेंगी। नहीं नहीं, छोड़िए ना, बदतमीज कहीं के। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी आंखों के सामने ये सब हरकतें करते हुए? आप ऐसे मौके पर कहां से आट डपके? टपक नहीं पड़ी, कितनी देर से मैं पर्दे के पीछे से आपका ये नाटक देख रही हूँ। आखिर इसका मतलब क्या है? इन्हीं से पूछिए, उन्होंने मुझे स्लिप भेजी थी। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। सुनिए, इधर आइए, इन्हें बताइए आपने मुझे स्लिप क्यों भेजी थी। स्लिप इसने नहीं, मैंने भेजी थी। ओ, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी। मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी, और मैंने तुम्हें पर्दे के पीछे देख लिया था और तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना चाहते थे, इसका मतलब क्या है? मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती थी, इसका मतलब क्या है?
किराने देख फूल वो कली से लिपटा जाए, रूप किराने देख फूल वो कली से लिपटा जाए, इतना तो समझा दे मुझको इसका मतलब क्या है, अरे इतना तो समझा दे मुझको इसका मतलब क्या है। बीबी जी खत्म हो गया, साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई। साहब को पुलिस पकड़ के ले गई,
ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने आपको कैसे गिरफ्तार कर लिया डैडी? पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन डैडी आपने कौन सा जुर्म किया है? पुलिस छानबीन कर रही है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम तो जानती हो बेटी का अपना धंधा ही ऐसा है कि एक पांव अंदर और एक पांव बाहर। लेकिन डैडी क्या ये लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मैं बाहर से आया हुआ एक बिजनेसमैन और यहाँ आते ही एक बदनाम होटल खरीद बैठा। तुम फिक्र ना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, वक्त का इंतजार करो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आदर जी बैठो, कैसे आना हुआ? आपके मुजरिम लॉकअप में पहुंच गए हैं, आप मुझे रिहा कीजिए। रिहाई का क्या सवाल है, तुम तो वैसे भी रिहा हो। आपने पैरवी पर रिहा किया है और अखबारों में भी छिपा दिया कि मैं जेल से भाग गया हूं। आप तो किसी वक्त मुझे जेल भेज सकते हैं। बिरजू, तुम कानून की नजाकत को समझते हो? जी हाँ, इसलिए तो चाहता हूं कि अब आप कानूनी तौर पर मुझे रिहा कीजिए। वो भी हो जाएगा, अभी न तो सबूत मिला है और न माल बरामद हुआ। पता नहीं उन्होंने सोना कहां छुपा कर रख दिया है। अजी साहब, हमारे एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुजरिमों को कानून के हवाले करके मैं आपकी मदद कर चुका हूं। लेकिन तुम तो जानते ही हो, सबूत के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। मुजरिम जरूर पकड़े जा चुके हैं, मगर उनमें से कोई कुछ भी नहीं कबूलता। ठीक है, आपको सबूत मिल जाएगा और माल भी बरामद करा दूंगा, लेकिन यह कानून के लिए नहीं बल्कि अपने वायदे और सच्चाई के लिए करूंगा। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। बाय सर। बाय बाय। क्या हुआ? दम घुट रहा है डॉक्टर साहब। क्या है? कौन की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ मिस्टर सोहन? अरे देवी सिंह, चलो डॉक्टर साहब ले आओ। सोहन खा के कितना मोटा हो गया, टूट राया हो गया। सोहन का ख्याल रखना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। यस सर। नहीं बापू, पहचानो। सोहन बापू, होटल का धंधा छोड़कर पुलिस में भर्ती हो गए हो क्या? भर्ती तो पुलिस ने कर दिया था लॉकअप में, बड़ी मुश्किल से हुलिया बदलकर जान बचाकर वहाँ से भागा, लेकिन कमबख्त पुलिस अभी भी पीछे पड़ी हुई है। तो इसे घबराने की क्या बात है, अब और हुलिया बदल डालो। कोठे पर आकर तो अच्छे अच्छों का हुलिया बदल जाता है। हाँ, अपना तो एक ही होटल है। चलो रुको रुको। फुलवाला,
घर जो बैठे छोड़ दूँ तुमको, उधर जो बैठे मोड़ दूँ तुमको, बीच वाले। अरे बीच वाले, बीच वाले सैया पे पड़ से नजरिया, पड़ से नजरिया, पड़ से नजरिया, बीच वाले, ओ बीच वाले सैया पे पड़ से नजरिया, पड़ से नजरिया, पड़ से नजरिया, बीच वाले। हम तो आए थे यहाँ दिल को बहलाने, तुम चली हो हमसे दिल को टकराने, इधर है हुस्न की शम्मा उधर है परवाने, हम तो करते हैं मेरी जान एक तीर से दो दो निशाने। इसलिए तो कहती हूँ बीच वाले, हाय बीच वाले सैया पे पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया, बीच वाले। तेरे दामन को थाम लूं, ना पापा ना, जलवों की भीख मांगूं, नजर का सलाम लूं, अच्छा? चेहरे की सुबह देखूं या जुल्फों की शाम लूं, हर चीज खूबसूरत है किस किस का नाम लूं। सुना आपने हुजूर, बीच वाले, हाँ बीच वाले सैया पे पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया, बीच वाले। तेरी दीद करेगी, नजर तेरी हजारों को शहीद करेगी, उल्फत मेरी सदा यही उम्मीद करेगी, किस दिन गले तू मिलके मेरी ईद करेगी। चल छोटा टंका, बीच वाले क्या, हाँ बीच वाले सैया पे पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया, पड़ गई नजरिया, बीच वाले। तुमने मुझसे किया जो वादा है, होय होय, कितना सुंदर है
दे चमकते सितारों को तोड़ दूं, अच्छा पर्वत का सर झुका दूं, नदियों को मोड़ दूं, मेरे लिए पूरब के हर नजारे को पश्चिम से जोड़ दूं। अरे रे रे। तू चाहे तो मैं शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। क्या बात है, बीच वाले दिनों से पुलिस में काम कर रहे हो और आज तक बदमाशों के हथकंडों को नहीं समझ सकी। I am very sorry, sir. लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मुझसे पूछते हो क्या किया जा सकता है? फौरन सोहन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा जाए। आप एक अच्छे खासे शरीफ आदमी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए फरमा रहे हैं? अजी हजूर, मैं तो मुशायरे में जा रहा था, क्यों आप मेरा वक्त जाया करते हैं? इसे जरा परे कर दीजिए। अब तो पुलिस के सामने ही गजल पढ़िए। ला हौल विला कुव्वत, वहाँ कौन समझेगा? वो समझे ना समझे, मैं आदमी की सूरत से नहीं उसकी चाल से पहचान लेता हूँ मिस्टर सोहनलाल। तो आखिर आप पुलिस के आदमी निकले? तुम फिर गलती कर रहे हो सोहनलाल। तो फिर ये चक्कर क्या है मिस्टर? सिंपल, पुलिस ने तुम पर 50,000 का इनाम रखा है, वो दांव मैं जीतना चाहता हूँ। पुलिस से जीतना चाहते हो? इतना रुपया तो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। मैं हराम की कमाई नहीं खाता सोहनलाल, और फिर पुलिस से कई बार मुझे इनाम जीतना है। वो कैसे? देखो, इनाम मिलने के बाद मैं तुम्हें भगा लाऊ, पुलिस इनाम दोगुना कर देगी, मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। और फिर भगा लाओगे, पुलिस इनाम चौकदा कर देगी, है ना? करेक्ट, इस तरह जुआ चलता रहेगा। फंदा मेरे गले में और आमदनी तुम्हारी, यही ना? आमदनी कम नहीं है सोहनलाल, इसलिए 50-50। मुझे मंजूर नहीं। तुम बेवकूफ हो। क्या मतलब? मैं तुम्हें उस लॉकअप में रखवाना चाहता हूँ जहाँ शंकर उसके साथी हैं। मगर किस लिए? तुम पता लगा सकोगे कि उन्होंने सोना कहाँ छुपाया है, इसलिए। आदमी होशियार हो, लेकिन लॉकअप से कैसे निकलवाना है ये तुम्हें मैं बताऊंगा। मंजूर। अच्छा, तो अब जल्दी से रस्सी ले और मेरे हाथ बांध दो। तुम भी समझदार हो सोहनलाल, इसलिए मैं रस्सी का इंतजाम करके ही आया था। चलो। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। अरे आओ यार, रास्ते भर अड़ते चले आ रहे हो, अड़ियल टेस्ट लेकर जाओ। वल्ला जमान संभाल कर बात कीजिए, एक शरीफ आदमी को आपने घटिया किस्म का घोड़ा कह दिया, वो भी चट्टू। अगर मैं हजूर की शान में कोई गुस्सा नहीं करता तो देखो सीधी तरह से बात करो, ये लखनवी जबान है नहीं चलेगी। यार क्यों नहीं चलेगी सरकार? जब लखनऊ का कुर्ता चल सकता है, दो पल्ली टोपी चल सकती है, पान चल सकता है, तो जबान क्यों नहीं चलेगी? अभी आप ही बताइए ना हवलदार साहब, मेरा मतलब है दरोगा साहब। ये क्या बदतमीजी है, ये पुलिस स्टेशन है। तो मैंने कहा था कि यह रेलवे स्टेशन है। हजूर, बदतमीजी मैं नहीं आप पर मार रही, धक्के पर धक्के मारकर कोतवाली में ले आए। क्या जमाना आ गया है आदमियों को भी धक्के मारते। मैं तो अच्छा खासा मुशायरे में जा रहा था, नई गजल कहिए, मुझ पर मुलादा फरमाइए। प्यार में कुछ कमी हो गई, आ आ प्यार में कुछ कमी हो गई, दोस्ती दुश्मनी हो गई। आ आ क्या दाद मिल रही है, ला हौल विला कुव्वत। ये
ये मुशायरे की जगह नहीं है। कौन है आप? हजरत आप भी अजब सूखी लकड़ी की, एक गरीब शायर का तारुफ भी नहीं कराया। हजूर मेरा तखल्लुस है बेदाग। तखल्लुस तखल्लुस यानी चलेगी। इंस्पेक्टर साहब ये कोई शायर वायर नहीं है, ये वही है आपका 50,000 रुपए का मुजरिम सोहनलाल। मिस्टर सोहनलाल कैसे दरोगा जी, आपने तू तड़ाक से तो बहुत बात कर ली, अब ये हाथा पाई अच्छी नहीं कह देता हूँ। मैं शायर आदमी हूँ। हाँ जी हाँ, दाढ़ी नकली है खेच लीजिए। देखिए दरोगा जी दाढ़ी नहीं खेचना, नहीं तो पान की पीक निकल जाएगी। ये के साथ साथ जबान भी बदल दी। पिक्चर दाढ़ी नकली थी तुमने उतार ली, टोपी मेरी इज्जत है, इस पर हाथ नहीं डालना। बोलो कहाँ जाना है? शुक्राम सवालत ने बंद कर दो। सोहन पिछली बार तो तुम मेरे कपड़े पहनकर भाग गए थे, अब क्या मैं तुम्हें देखूंगा? घबराओ नहीं इंस्पेक्टर, अब तो तुम्हारे कपड़े पहनकर नहीं भागूंगा। बात दूर कार्टून लगता है। और मिस्टर बाहर आने के बाद तुम्हें भी देख लूंगा, शायद तुम्हें पता नहीं कि लोग मुझे दिल्ली तक जानते हैं। अरे दिल्ली बहुत दूर है शहर मियां, अभी तो अंदर जाओ फिर तुम्हारे बाहर आने की सोच में जाओ। वराम वराम मुझे मालूम है लोग अब कहाँ हैं। कमाल कर दिया साहब आपने, इतने खतरनाक मुजरिम को पकड़ लिया जिस पर तो पुलिस भी हाथ डालने के लिए डरती थी। इंस्पेक्टर साहब डरता तो मैं भी था, लेकिन 50,000 रुपए का मामला था, मैंने कहा चलो जान पर खेल जाओ। फिक्र न कीजिए 50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, सिर्फ कागजात ऊपर भेजने होंगे। थैंक यू। रुपए मिलने में देर तो नहीं होगी इंस्पेक्टर साहब? बेफिक्र रहिए, आपका केस मैं स्पेशली रिकमेंड कर दूंगा। थैंक यू। रख लीजिए शायद आपको कोई काम आए। यहाँ भी आप आ सकते। अब हम तीनों में से किसकी बारी है? क्या मतलब? पिंचों को झाड़ से लटका कर मार दिया, और अब मतलब पूछते हो? मारने वाला तो ऊपर वाला है, मुझे किसी से क्या लेना है? क्यों उस्तादों से उस्तादी? अपना हिस्सा लेने के लिए पिंटों को तो साफ कर दिए और अब अंजान बन गए। लॉकअप में कबूलते हुए डरते हो क्या? मैं लॉकअप वॉकअप से नहीं डरता। हाँ पिंटो को मैंने मारा है। अब तुम तीन बाकी रह गए। मुझे सोने में हिस्सा उस वक्त भी चाहिए था और अब भी चाहिए, और अगर मुझे हिस्सा ना मिला तो तुम तीनों में से एक भी नहीं बच सकता। क्या मिलेगा किसी को सोना? हम सबके सब तो पुलिस के शिकंजे हैं। मैंने कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जब चाहूं यहां से निकल सकता हूं, और साथ में तुम लोगों को भी निकाल सकता हूं। क्या कहा तुमने? तुम हम लोग भी यहां से निकाल सकते हो? श्योर, लेकिन सोने में बराबर का हिस्सा। मिस्टर सोहन पिंटो को मारकर चौथे हिस्से की जगह तुमने खुद ही बना ली, हमें मंजूर। प्रॉमिस प्रॉमिस। कमाल कर दिया था आदमी, सोहन जैसे नामी आदमी को पकड़ लाए। इंस्पेक्टर यस सर। तुमने सोहन को रखा कहाँ है? सर उसी लॉकअप में जिसमें तीनों बदमाश बंद हैं। उसी लॉकअप में? जी हाँ। तुम जानते हो सोहन कौन है? बड़ा पहुंचा हुआ बदमाश है। Thank you.
छोड़ मुझे, छोड़ के सुझा जन्म में। हॉस्पिटल ले चलो, अभी जिंदा है। जीव लिया चलाई तो मैं भी सोच रहा हूँ गोली किसने चलाई थी, शायद पुलिस से चलाई होगी। इम्पॉसिबल, पुलिस कैसे गोली चला सकती। गोली नहीं चला सकती, वो पुलिस की सकती। अब बोलो तुम्हारी प्लानिंग क्या है। भारत आ रहे नहीं कपड़े लाए। हाँ ये लो कपड़े बदल लो। अरे भाई तुम यहीं बदल लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। देखता हूँ कि पुलिस किसी पीछे पीछे आ तो नहीं रही। अंगूरी हाय हाय, होंठ तंदूरी बले बले, जुल्फों में फूल लगाए, जुल्फों में फूल लगाए, ऐसी नागन हाय दस लह जिसको है, है। वो सीधा स्वर्ग में जाए, वो सीधा स्वर्ग में जाए। बलिए सुन सुनिए सुन गोरिए, हाय हाय चल जब तू कमर लचकाए, हाय हाय रे रूप छलकाए, चल जब तू कमर लचकाए रूप छलकाए, बरांडी का गिलास बन के, बरांडी का गिलास बन के। हो नी तेरी जुल्फ में फंस जाऊं गोरी, गुलाब का मैं फूल बन के, हाय हाय गुलाब का मैं फूल बन के, गुलाब का बन के, गुलाब का मैं फूल बन के। आई नी बन तो मर जावा, आला, आला।
मुखड़ा तेरा क्या मुखड़ा पंजाबी है ओ नानो जुल्फ तेरी बंगाली ओ जुल्फ तेरी बंगाली नखरा तेरा राजस्थानी अज चाल है दिल्ली वाली हो चाल है दिल्ली वाली हो नी बलिए सुन सोनिए सुन गोरिए हाय 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 तेरे हुस्न के बड़े धमाके मेरे दिल पे डाल के डाके तेरे हुस्न के बड़े धमाके डाल के डाके चले तू जब तन तन के चले तू जब तन तन के नित जी जुल्फों में फंस जाऊं थोड़ी गुलाब का मैं फूल बन के आए आए गुलाब का मैं फूल बन के तेरी जुल्फों में फंस जाऊं थोड़ी गुलाब का मैं फूल बन के गुलाब का मैं फूल बन के नी बड़े तक्के नी सानू भी तक ले चौड़ी छाती पतला कुर्ता गोल हो जिसकी बाहें हाँ कई गोरियां उस बाके की रोक के बैठी राहें घर घर मेरा समझी चर्चा मैं हूँ नी पूछ ले गली गली बदनाम गली गली बदनाम इसलिए हर एक वो आशिक से है ऊपर मेरा नाम ऊपर मेरा नाम लिए सुन सुनिए सुन गोरिए मैं कलयुग का हूँ रांझा आ कर ले तू दिल सांझा मैं कलयुग का हूँ रांझा कर ले दिल सांझा फिरा दे मन के तू मन के तेरी जुल्फों में फंस जाऊं थोड़ी गुलाब का मैं फूल बन के हाय हाय गुलाब का मैं फूल बन के फंस जाऊं की बोले मुंडिया कैसा जमाना ओए जमाना आया यारो ओ देखो यारो कितनी मिली आजादी कितनी मिली आजादी होए बेटा अपने हाथ से करता करे बाप की शादी ना जाने छोकरे
मिस्टर पंगड़ा पार्टी का केड़ा कमरा है? व्हाट सर? पंगड़ा पार्टी व्हाट रूम नंबर? ओ 305 सर। ले 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 आवे। अच्छा कमरा भी बुक कर लिया? देखो सोहन का गैंग सारे शहर में फैला हुआ है तो हर काम पहले से ही तय कर लेता है। आ हेलो रामू, सोहन एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी डीएसपी और मेरे कुछ कपड़े लेकर आ जाओ होटल ब्लू हेवन रूम 335 फॉरन। अरे भाई पुलिस ऑफिसर या सुपरिंटेंडेंट की वर्दी लेकर क्या करोगे? बैठो बताता हूँ, बैठ जाओ ना। हेलो सुमन, मैं मोहन बोल रहा हूँ। जल्दी से गाड़ी को आगरा रोड के पेट्रोल स्टेशन में ले आना। मगर बात क्या है? ये सब रास्ते में बताऊंगा, जल्दी गाड़ी ले आना। रंजीत मलिक कौन से वार्ड में? हवलदार इन इंस्पेक्टर साहब के पास ले जाइए। इंस्पेक्टर नहीं, रंजीत मलिक। हाँ सर। सर ये साहब रंजीत से मिलना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम है ए के सेन, मैं सीबीआई से स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया हूँ, मुझे रंजीत मलिक से मिलना है। एक्सक्यूज मी, रंजीत एक इम्पोर्टेंट मुजरिम है, आईजी साहब के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, किसी को उसके साथ मिलने ना दिया जाए। हाँ अगर आप कार्ड दिखा दें तो मैं आपको मिला सकता हूँ। विजिटिंग कार्ड? नो सर, आइडेंटिटी कार्ड। ओ आइडेंटिटी कार्ड। हेलो यस सर, अभी बुलाता हूँ सर। इंस्पेक्टर साहब आपका टेलीफोन। एक्सक्यूज मी, हेलो इंस्पेक्टर पुलिस स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर, वो आ गए सर।
शायद मेरा आइडेंटिटी कार्ड जिप में रह गया है, मैं भी लाता हूँ। ओके सर, ओके। सुनिए एसपी साहब, सुनिए, आईजी साहब ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर, तुमने मुझे बुलाया? आप रणजीत से मिल सकते हैं। थैंक यू, मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। एज यू प्लीज। थैंक यू। हवलदार तुम बाहर आ जाओ। क्या बात है आपकी सर, तुम सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? जी आपके हुक्म के मुताबिक सीबीआई के ऑफिसर अंदर जांच कर रहे हैं। सीबीआई के ऑफिसर मेरे हुक्म के मुताबिक क्या कहते हो? जी आप ही ने तो फरमाया था फोन पे। मैंने फोन पे फरमाया था? जी। दरवाजा तो देखा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से एक इम्पोर्टेंट मुजरिम हाथ से निकल गया। सर, फोन पे अगर आप नहीं थे तो वो कौन था? वो मैं था। वो तो मैं समझ गया, पर ये सब तुमने किया कैसे? जिस तरह ये ड्रेस पहनाकर तुम्हें अंदर पहुंचा दिया था, उसी तरह बाहर निकालने के लिए मैंने आईजी की आवाज बदलकर इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया और कहा, देखो इंस्पेक्टर, मैं आईजी बोल रहा हूँ। दहली से एक एसपी रंजीत को मिलने के लिए आ रहा है, उसको रोकना नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। कमाल करते हो यार, तुम तो आवाज भी बदल लेते हो। अरे अगर आवाज और हुलिया ना बदलता तो अब तक जेल के अंदर ना होता। दूर भागा है, लेकिन कहां तक जाएगा? मोहन, मोहन, वो तो उधर गया। जबू, गाड़ी रोको, इसके लिए पानी लाओ। अरे जाने भी दो यार, पानी वानी क्या करना है, ये ज्यादा देर जीने वाला है नहीं। अरे जग्गू, गाड़ी रोको, इससे बहुत कुछ पूछना है अभी। ऐसा मैं कहता हूँ, गाड़ी रोको। लो रंजीत, रंजीत, पानी, पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? देखो ना आसपास कहीं मिल जाए शायद। अरे देखो देखो, जल्दी करो, बेचारा मर रहा है। लो लो, संभालो इतना। हाँ, मैं संभालता हूँ। जा। पानी पानी ला रहा है, सोन ला रहा है। तुमसे बहुत प्यार है, माफ कीजिएगा, हमारा एक साथी बेहोश हो गया, थोड़ा पानी चाहिए। हाँ ले लीजिए। तुमको मैं जग्गू, तुम्हारा दोस्त। जग्गू? हाँ तुम्हारा दोस्त। मुझे शंकर से खतरा है जग्गू, वो सारा सोना हड़प कर ले जाएगा। अच्छा जग्गू, उसे सोना मत लेने दो। तुम मुझे बता दो सोना कहाँ रखा है, मैं उसे मार डालूंगा, उसे सोना नहीं लेने दूंगा। कहाँ रखा है रंजीत, सोना कहाँ है? गौरी के मंदिर के ऊपर। गौरी के मंदिर ऊपर का पत्थर उठाना। हाँ, उसके नीचे एक रास्ता है, तीसरी मूर्ति के पीछे। तीसरी मूर्ति के पीछे सोना रखा है। जब ये लो पानी। कोई जरूरत नहीं, इसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले ये कुछ बता दिया? कुछ बड़बड़ा जरूर रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। मरने से पहले इसने क्या बताया था? मैंने कहा ना, कुछ बड़बड़ा रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। झूठ मत बोलो, फिर तुमने इसका गला क्यों घोटा? मैं क्यों गला घोटने चला? मर गया, गोली लगी थी सर। अभी पता चल जाएगा।
रिज्यू, उस ट्रक का पीछा करो, उसमें जग्गू भाग रहा है। जग्गू कहाँ तक भागेगा, शंकर के पास ही जाएगा ना। डैडी हम शंकर का पीछा कर रहे हैं। लेकिन शंकर कहाँ है? ये जो सीबी तेल के रसीद आप देख रहे हैं, जब यह खत्म होगी शंकर वही होगा। वेरी गुड, आदमी अकलमंद हो। रंजीत ने मरने से पहले मुझे इस जगह का पता बता दिया था। तो क्या रंजीत भी मर गया? हाँ, रंजीत भी मर गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम और मैं आपस में दोनों ही माल बांट लेते। मुझे तुम्हारी माल की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत।
रखूंगा। तुम्हें माल चाहिए, उठा लो। मुझे माल नहीं चाहिए सोहन, मेरा जो कुछ लूट चुका था उसकी आखिरी कीमत में वसूल कर चुका। यह माल तुम ले जाओ। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं ले। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वर्मा। थैंक यू सर। गवर्नमेंट को आप जैसे ऑफिसरों पर जितना भी नाज हो कम है। थैंक यू। यानी आप हैं वर्मा, DIG CBI। तो आप क्लारा होटल के मालिक नहीं? क्लारा होटल के मालिक को तो पुलिस ने अपना मेहमान बनाकर बाहर भेज दिया था और उसकी जगह मिस्टर वर्मा को वहां का मेहमान बना दिया था। और ये मिस्टर वर्मा ही की स्कीम थी। मिस्टर वर्मा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मिस्टर जग्गू, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, ना तो आप पुलिस के आदमी और ना ही आपको माल चाहिए, फिर आपने शंकर का खून किस खुशी में किया? सर शंकर का ही नहीं, उसके तीनों साथियों को भी मैंने ही मारा। मैं दिल्ली में अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर रहा था, मेरा घर बर्बाद हो गया। पुलिस की तलाश पर मैं पहले प्लेन से बंबई आया। एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे इंस्पेक्टर मिला जो इस केस की तहकीकात कर रहा था।
तो मुझे मेरे बेटी के पास ले गया जो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। बेटी बेटी गीता बेटी मैं आ गया हूँ तुम्हारे डैडी। डैडी? हाँ मैं आ गया हूँ। मैं आपका इंतजार कर रही थी डैडी। घबराओ नहीं बेटी, अब तुम अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं डैडी, अच्छा हुआ जाते जाते आपके दर्शन। ऐसी बातें मत कहो बेटी, अब तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। बेटी मैं तेरे लिए सब कुछ तैयार कर लिया था बेटी, सिर्फ कफन नहीं लाया था। बेटी मेरे खून की कसम, जिन जालिमों ने मेरा घर उजाड़ा है उनको कुत्तों की मौत मारूंगा। तेरी मौत का बदला मैं इन हाथों से लूंगा बेटी। मैं उसके बाद मैंने अपना हुलिया बदला। कातिलों को ढूंढने के लिए मैंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। शहर के हर बदमाश को वो लॉकेट दिखाया जिसमें मेरी बेटी की तस्वीर थी। आपको शायद याद होगा वो लॉकेट आपको भी दिखाया था। क्या हुआ, आप लोग चौंक पड़े? ऐसा कभी देखा नहीं। आखिर उन कातिलों से मेरी मुलाकात हुई आपके होटल के बाहर। दरअसल बात यह है कि इसमें जो तस्वीर है ये कुछ जानी पहचानी थी। जानी पहचानी क्या, ये तो अपना शिकार से शिकार मर गई जालिम वाला। आई टेल यू क्या चीज थी। और उसके बाद मैंने अपना इंतकाम लेना शुरू किया। मेरा पहला शिकार था पिंटो, जब वो पुलिस से भाग रहा था। बेवकूफ ये समझ रहा था कि मैंने उसे पुलिस से बचा लिया, लेकिन मैं उसे उसी बेरहमी से मारना चाहता था जिस तरह उन लोगों ने मेरी बीवी और मासूम बच्ची को मारा। मैं उसे घसीटता हुआ मौत की तरफ ले गया। दम तोड़ दिया, फिर भी मुझे तसल्ली नहीं। मैंने उसकी लाश को दरख्त लटकाकर उस पर नफरत से थूका। उसके बाद दूसरा था सुल्तान, जब वो लॉकअप से भागा था। चकू तू? नहीं मैं बैरिस्टर साहब, जिसका घर तुमने तबाह कर दिया। फिर आप रंजीत के लिए पानी लेने गए थे, इधर मैंने मैं जग्गू नहीं, मैं हूं बैरिस्टर रघुवीर सहाय, जिसकी बीवी और मासूम बच्ची को तुमने बेरहमी से मारा। रंजीत से पता मालूम करके मैं सीधा शंकर के पास पहुंचा। जब वो माल निकाल कर तो मेरा शक सही, तुम वहां के पुलिस ऑफिसर। अरे मैंने पुलिस ऑफिसरों ने जग्गू, तो फिर कौन हो तुम? मैं वही बदनसीब हूं जिसके जवान बेटी और बीवी को तुम लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया था। यानी बैरिस्टर रघुवीर सहाय, और अब मैं तुम
मैं उसी बेरहमी से कष्ट करूंगा जिस तरह तुम्हारे तीनों साथियों को मारा। पर हर खून के बाद मुझे तसल्ली होती गई कि मेरी बीवी और मासूम बच्ची का खून का बदला मैंने खून से लिया। आई सी, तो आप मिस्टर जग्गू नहीं हैं, बैरिस्टर रघुवीर सहाय। बैरिस्टर रघुवीर सहाय तो कब का खत्म हो चुका था, अब मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। मिस्टर वर्मा, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं। बैरिस्टर होने के नाते मैं जानता था मुझे क्या सजा मिलेगी, जिसके लिए मैं पहले से तैयार था। चलिए, एक बाप होने के नाते मैं जानता हूं इस शरीफ आदमी ने कोई पाप नहीं किया। कानून को अपने हाथ में लेना जुर्म। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं और ज्यादा जानना भी नहीं चाहता। आओ बेटी, चलो।